नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। किसान कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पर सिद्धौड़ पुलिस चौकी को सौंपा ज्ञापन। लखीमपुर खीरे के किसानों की निर्मम हत्या के मामले को लेकर भारतीय टिकैत जिला उपाध्यक्ष शांति भूषण सिंह व सुरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कई किसानों सहित जनपद मुख्यालय पर धरना देने जा रहे थे, तभी सिद्धौड़ चौराहे पर सिद्धौड़ पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों ने भारतीय टिकैत जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा व ब्लॉक अध्यक्ष रणविजय सिंह को रोककर जीप में बैठा लिया और सिद्धौड़ चौकी इंचार्ज संजय वर्मा द्वारा हिरासत में ले लिया गया, जिसको लेकर आक्रोशित किसानों ने सिद्धौड़ पुलिस चौकी पर ज्ञापन सौंपा और उचित कार्यवाही की मांग की। आइए देखते हैं धनंजय सिंह के साथ गोविंद कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ धनंजय सिंह। मैं इस समय सिद्धौड़ पुलिस चौकी पर मौजूद हूँ। यहाँ आइए देखते हैं क्या मामला है, किस मामले को लेकर यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम शांति भूषण सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत में जिला उपाध्यक्ष बाराबंकी। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ किस लिए? देखिए, कल एक बड़ी निर्मम घटना घट गई खीरी लखीमपुर में, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में किसानों में आक्रोश है। किसान उसी लिए आज एक मूवमेंट के तहत जनपद के मुख्यालय को जा रहे थे। वहाँ पे डीएम के सामने सब लोगों को आंदोलन करना था, लेकिन बीच में ये चौकी इंचार्ज थाना असंदरा के प्रभारी निरीक्षक ने किसानों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया और आगे जाने नहीं दिया। क्या यहाँ पे आप लोग क्या मांगते हैं, क्या प्रक्रिया? हम लोग यही चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो, किसानों को, मृतक किसानों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले, लोगों को सरकारी नौकरी, उनके जो परिजन हैं उनको सरकारी नौकरी मिले, यही हम लोगों की डिमांड। आप क्या कहना चाहेंगे सुरेंद्र जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र सिंह वर्मा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बाराबंकी। आज जो हम लोगों का कार्यक्रम था, जो खीरी लखीमपुर में एक केंद्रीय राज्य मंत्री के लड़के के द्वारा जो 4 किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान था कि आज जिला मुख्यालय पे कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देना है। संयुक्त किसान मोर्चा का ये आह्वान था। उसी क्रम में हम लोग जिला मुख्यालय की तरफ जा रहे थे। यहाँ का जो चौकी इंचार्ज और यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं, वो हमको और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और सहयोगी जिला उपाध्यक्ष तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ गिरफ्तार करके चौकी पर बैठाए हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने महामहिम के संबोधन में एक ज्ञापन सौंपे हैं चौकी थाना इंचार्ज को, और मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कुछ भी करना पड़े किसान इस घटना के लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं, जो भी जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।